माँ महागौरी, माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप, देवी माँ का आठवां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशवान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो शोर या किनारे हैं, एक माँ कालरात्रि जो अति भयानक प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान शांत है, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। नवरात्रों में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से नौ रूपों की पूजा होती है। देवी महागौरी अमोद फलदायिनी है और भक्तों के तमाम कलेशों को दूर करती है, पूर्व पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रों में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र, कुंद के फूल से ही दी गई है। अष्टवर्गा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारुंडा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय कर दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोद फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा, अर्चना, उपासना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जय महागौरी, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।